हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। अभी धूप आ रही है यहाँ पे ना। अभी ना शावर लेके आई हूँ, और ये वाला जो ड्रेस था ना, ये मैंने होली पे पहना था, आपको दिखाया था ना, तो इसको हैंड वॉश करना था। एक्चुअली 2-3 घंटे के लिए ही पहना था होली पे, लेकिन इसमें वायरस में पहना था ना, तो इसीलिए इसको वॉश करना था। हिम्मत नहीं हो रही थी इतने दिन से ना वॉश करने की, लेकिन आज लगा कि इसको वॉश कर देती, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे बाथरूम में रखा हुआ था। तो उस दिन मैंने पहना था ना, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि मैंने कहाँ से लिया है इसका लिंक। इसका ना मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप लोग लेना चाहें तो। बहुत प्यारा ये सूट लगा था पहन के। एनीवेज, अभी मैं चलती हूँ और ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। अभी ब्रेकफास्ट में ना आज सूजी का उपमा बनेगा, तो शावर लेने गई थी ना, उससे पहले मैं सूजी को भून के चले गई थी, क्योंकि फिर काम आधा रह जाता है ना। और अभी बस सब लोगों का शावर हो गया है, और अभी पूजा करनी है, बस अभी मैं उपमा तैयार करूँगी, और इसमें बस सब तैयारी करके गई थी, पानी वानी डालने वाली वो करूँगी, क्योंकि हमारे जो पंडित जी हैं ना, वो नहा चुके हैं अनवित, क्योंकि पंडित नहाया और गजब ढाया, इतनी देर से बोल रहा है मम्मी उपमा उपमा, तो वही देना है। अनवित अनुवेद, ब्रेकफास्ट इज रेडी। हाँ पहले जय जय करो। हाँ हेलो, हाँ क्या चाहिए बताओ जल्दी से, क्या चाहिए? उपमा। उपमा चाहिए, यम्मी यम्मी उपमा। अभी ना वो जो भैया है ना, ग्रोसर भैया, वो फ्रूट्स देखे गए हैं। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना, ये 6 to 6 का कर्फ्यू लग गया है पुणे में ना, तो उनको ऑर्डर दिया था फ्राइडे को, तो वो बोलने लगे कि अभी शायद मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि रेडी लगाना अलाउ नहीं है, तो फ्रूट्स में लाके नहीं दे सकता अभी। तो फिर हम लोगों ने ना बिग बास्केट से ऑर्डर डाल दिया था, तो वो फ्रूट्स ना मॉर्निंग में आ गए, और द्राक्ष वगैरह हम लोगों ने मंगाया था, पेरू भी मंगाया था। फिर वो भैया अभी अपना सब सामान लेके आ गए, उनको फ़ोन आया कि दीदी मैं सब वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स लेके आया हूँ, अगर आपको चाहिए तो। तो फिर हम लोगों ने ना सब चीज़ें मंगाई थी, लेकिन अभी वो बोलने लगे मेरे पास बहुत अच्छे चीकू और ये है ये खरबूजा। हम लोग खरबूजा नहीं खा रहे थे इतने दिन से, पापा जी बोलने लगे कि खरबूजा ना नुकसान करता, थोड़ा पानी होता है ना, तो लेकिन आज अब मंगाया है तो देखते हैं। तो भैया को बोला कि चलो आप ये दे जाओ जो चीकू और ये है ना अपना खरबूजा, तो वही मंगाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनकी ना मैं मतलब हेल्प करूँ जितना हो सकता है, भले ही मैं उनसे थोड़ा सामान ले लूँ, क्योंकि उन्होंने ना हमारा बहुत हेल्प किया है ये वाले पीरियड में ना, तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि आप दे जाओ। तो एनीवेज चलो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है और किचन भी क्लीन हो गई है, अब आके बैठी हूँ। इससे मैं आगे ना कुछ हिम्मत नहीं होती करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और इसमें पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है मुझे तो। और इससे मैं बस मन ये कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। आज सोच रही थी कि थोड़े से कपड़े हैं और आयन कर लूँगी उनको, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं लग रही कि मैं आयन करूँ। वैसे तो ये है कि दे भी सकती हूँ बाहर ना धोबी को, तो बुला लूँगी उनको और दे दूँगी, क्योंकि सौरभ के सब कपड़े तो जाते जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने कपड़ों पे ना फटाफट खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और जल्दी मिल जाते हैं मुझे लगता है। तो सौरभ वही बोल रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है खुद से करने का, बाहर दे दो। तो एक्चुअली ना क्या हुआ था, बहुत समय पहले ना मेरा एक बहुत अच्छा ड्रेस था जो धोबी ने ना जला दिया था, तो तब से ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिना आयन के कपड़े पहन लो लेकिन आपके नए नए ड्रेस ना ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए जैसे भी होता है ना, भले ही मतलब मैं जैसे भी करूँ, तो आपने देखा ही है कि मैं अपने कपड़े ना खुद से करती हूँ। हालांकि ये है कि धोबी आता है और जो अच्छे कपड़े हैं वो तो मेरे सारे ड्राई क्लीन के लिए जाते हैं, जो डेली वाले हैं ना वही मैं करती हूँ आयन, क्योंकि बिना आयन के कपड़े पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये था और सोचा कि, और लास्ट वाला व्लॉग ना मैं एंड ही नहीं कर पाई, क्योंकि क्या हुआ ना लास्ट वाले व्लॉग में ना
जैसे खाना वगैरह खाया ना, बहुत ज्यादा थकान हो गई और शाम तक आते आते ना ऐसे ना, मतलब अभी भी ऐसा है कि अभी तो हमें 15 डेज ही, मतलब आज 15th डेज है, तो अभी भी ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान लगती है शरीर में ना, कभी कमर दुखने लगती है, कभी लेग्स पेन करने लगती है, तो ऐसा रहता है। इसीलिए लास्ट वाला व्लॉग आज आपको मिलवाऊंगी मैं मम्मी से। मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी को लास्ट टाइम भी बोल के रखा था, तो बोलने लगी कि डिनर वगैरह कर लें फिर बात करते हैं, लेकिन फिर मुझे ही आलस भी आ गया और नींद भी आ गई। तो ये था, और बस मैं अभी देखूंगी थोड़ा कुछ बुक रीड करूंगी, क्योंकि अभी सोऊंगी नहीं। क्योंकि पहले तो ये था जब मेडिसिन लेती थी ना, जब स्टार्टिंग डेज थे कोरोना के, तो मुझे नींद आ जाती थी। अभी क्या है, मैं अगर अभी सो गई ना तो फिर मुझे दिन में नींद नहीं आएगी, और मुझे लगता है कि मैं दिन में सोती हूँ ना थोड़ा बहुत अभी, तो ज़्यादा मुझे फ्रेश फील होता है, क्योंकि अभी 15 मिनट मुश्किल से नींद आएगी और फिर दिन का जो नींद है ना वो ख़राब हो जाता है। तो बस इसलिए सोच रही हूँ कि अपनी बुक रीड कर लेती हूँ और ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ आगे का क्या करना है। आज तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या करनी है, क्या क्या रहेगा। तो चलिए मैं फिर आप लोगों से, दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये वाले कुरियर आए थे तो ये ना 3 दिन से बाहर ही रखे हुए हैं, हाथ नहीं लगाया इनको 3 डेज से, और अभी सैनिटाइज वगैरह करके लेके आई हूँ ओपन करने के लिए। बीच में थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे, मतलब कुरियर आता था ना तो तुरंत मतलब उसको सैनिटाइज करके ओपन कर लेते थे, लेकिन वो जो लास्ट ईयर वाला टाइम है ना, मार्च अप्रैल वाला, सेम वही टाइम है अभी भी कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और सेम उसी तरह से सब चीज़ें जो है ना वो मतलब ओपन करनी शुरू की हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने और अभी आई हैं, तो उन्हीं को ओपन कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या है, आपको दिखाऊंगी सब, क्योंकि पूरा शॉपिंग हॉल है। इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, अलग से शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी आपको पूरा, शूट करूंगी, तो सोचा कि टाइम लगा के ना इनको भी ओपन कर लेती हूँ। मतलब ये देख लो आप कि शरीर में पहले तो क्या था ना, कोई भी पार्सल आता था ना तुरंत ओपन करने की एकदम से इच्छा होती थी, अभी शरीर में इतनी थकान रहती है ना, इनको भी ऐसा लगता है कि ओपन कर लूंगी आराम से कर लूंगी, ऐसा लगता है। सो अभी लंच का टाइम हो गया है, तो अभी मतलब लंच बनाने का टाइम हो गया है और किचन में आई हूँ, तो आज मूंग की दाल की कढ़ी बनने वाली है। यूजुअली जो मूंग की दाल की कढ़ी है वो हमेशा मम्मी ही बनाती हैं, और मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो ये मूंग की दाल ना छिलके वाली मम्मी ने मॉर्निंग में ही भिगा दी थी, और इनका हल्का सा छिलका उतार के ना हाथ से रब करके और इसको मिक्सी में अदरक और हरी मिर्ची डाल के पीस लिया था। और ये है दही जिसको मैं बीट कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, क्योंकि कढ़ी इसलिए बना रहे हैं, मुझे कढ़ी की ना बुरे वाली क्रेविंग हो रही है सिंस 20 डेज, और इतनी बुरी कि मतलब इस क्रेविंग ने प्रेगनेंसी को बीट कर दिया, और इतनी क्रेविंग मैंने प्रेगनेंसी में फील नहीं की जितनी मैंने इस कोरोना में फील की है। तो दही उतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी, लेकिन अपनी क्रेविंग को मतलब फुलफिल करने के लिए आज कढ़ी बनाई जा रही थी। तो इसको मैंने क्या क्या, आप लोगों की एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी मूंग की दाल की कढ़ी को लेके, और लास्ट ईयर मैंने कई बार दिखाया तो आप लोगों ने बोला कि मूंग की दाल की कढ़ी की रेसिपी मैं शेयर करूं, फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। तो आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, इसमें मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी मेथी दाना, तो और इसमें ये मेथी दाना और खड़े मसाले ऐड करने के बाद ना इसमें मैं लाल मिर्ची जो साबुत वाली है ना वो ऐड करूँगी, क्योंकि इनके बिना जो कढ़ी है ना वो एकदम अधूरी रहती है। और फिर इसके बाद ना जब ये अच्छे से मतलब मेरी मेथी पटक गई है, तो मेरा जो घोल है ना दाल और मूंग की दाल ये दही वाला, इसको मैं ऐड कर दूंगी और इसको मैं लगातार चलाऊंगी, तो जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है चलाना। और इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी, हल्दी ऐड करूंगी, धनिया पाउडर ऐड करूंगी और सॉल्ट ऐड करूंगी, और इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी। मीन वाइल मैं तैयार करूंगी यहाँ पे पकौड़ी, तो पकौड़ी बेसन की बनाने वाले हैं, क्योंकि रैंडम प्लान हुआ था कि पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं। यूजुअली मम्मी पालक वाली कढ़ी बनाती हैं, तो क्योंकि ऑयली हो जाती है ना पकौड़ी वगैरह, तो आज वो पालक वाली कढ़ी खाने का मन नहीं था, ऑथेंटिक एकदम पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का मन था, इसीलिए रैंडम प्लान हुआ। तो
बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे बेसन में सब मसाले ऐड कर दिए, हींग ऐड कर दिया, और उनको अच्छे से बीट करने के बाद मैं स्पून की हेल्प से इनकी जो पकौड़ियाँ हैं वो उतारूँगी। तो बेसिकली ये प्रोसेस है मूंग की दाल की कढ़ी बनाने का। और मतलब हमारी तो दही ज़्यादा खट्टी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बनाएं ना तो दही या मट्ठा जो भी है, वैसे जो ऑथेंटिक कढ़ी है वो मट्ठे की बनती है, और अब वो मट्ठा मिलता नहीं है बड़े शहरों में, तो छोटे छोटे गांव में तो मतलब मट्ठा मिल जाता है। हमारे यहाँ पे तो मट्ठा आराम से मिल जाया करता था, क्योंकि गायें भैंसे थी और आराम से मट्ठा होता था। तो वो जो कढ़ी है जो मतलब हमारे यहाँ बना करती थी, उस कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो रियली मतलब किसी भी कढ़ी में मतलब नहीं मिलता है अभी भी। तो वो क्योंकि ऑथेंटिक मट्ठे की बनी होती थी ना इसलिए। और यहाँ तो बस ऐसा है कि अपने टेस्ट बड को फुलफ़िल करने के लिए कढ़ी खा लेते हैं। एनीवेज़ मैं मतलब आपको कुछ और बताना चाह रही थी और मैं किसी और बात में लग गई। तो बस मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर आप ये कढ़ी ट्राई करें तो दही जो है ना या मट्ठा जो है वो आप थोड़ा सा सोर लें, तो क्योंकि कढ़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो बस ये था ये कढ़ी बनाने का प्रोसेस। साबूदाने के ना पापड़ रखे हुए थे और मैं कल कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे वो मिले, और आज कढ़ाई चढ़ी रही थी तो मैंने सोचा कि चलो वो भी तल लेती हूँ। और इधर सौरभ मुझे खिला रहे थे एप्पल। मुझे ना एप्पल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रूट्स एक तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और खाती भी हूँ तो बहुत ही गिने चुने फ्रूट्स खाती हूँ। बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ मैं फ्रूट्स खाने में ना, और लेज़ी भी हूँ। तो वो तो मुझे अब जाके थोड़ा बहुत आदत लगा है फ्रूट्स खाने का, वरना पहले तो बहुत डांट पड़ा करती थी घर पे पापा से मम्मी से फ्रूट्स के लेके, तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। हमेशा मैं चटपटा खाने वाली लड़की रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मम्मी को काफ़ी फ्रूट्स खाने का शौक़ है, सौरभ को भी है, तो उनसे मुझे थोड़ा थोड़ा लग गया है। और कोरोना में तो मैंने ज़बरदस्ती दवाई की तरह खाए हैं। ग्रेप्स मैं खा लेती हूँ तो वही मैं खा लेती हूँ अभी भी। ये है, और कढ़ाई चढ़ रही थी तो सब लोगों को एकदम शौक लग गया, चलो साबूदाने के पापड़ बन रहे हैं और खाते हैं। तो अच्छा लगा, हम लोगों ने ऐसे बैठ के खाया। और कढ़ी तो मैं ना रख के भूल जाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना कि कढ़ी को जितना पकाते हैं ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। हालांकि मम्मी यहाँ पे बोलती हैं कि उनको मतलब पता नहीं चलता कि कढ़ी मतलब पकने का होता है ना। अगर आप अच्छी पकी हुई कढ़ी खाओ मतलब मुझे तो डिफरेंस पता चलता है, लेकिन यहाँ पे मम्मी बोलती हैं कि उनको मतलब उतना पता नहीं चलता जो पकी हुई कढ़ी है या फिर कैसी है। तो हमारे यहाँ पे मम्मी भी ऐसा क्या करती थी, कढ़ी जो थी ना वो रख के छोड़ दिया करती थी, और मतलब बीच बीच में चलाते रहना पड़ता है और बस वो पकते रहती थी। पकौड़ी डाल के मैंने छोड़ दिया है, बाद में पापड़ वगैरह खाने के बाद ना इसमें लगाऊंगी तड़का, क्योंकि जो कढ़ी वाला तड़का है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसी से ही जो कढ़ी की सूरत है ना वो अच्छी लगती है। तो बेसिकली पैन में मैं ऐड करूंगी घी, और कढ़ी में घी का ही तड़का जाता है, और इसमें ऐड करूंगी मैं हींग, और इसमें ऐड करूंगी कढ़ी के ऊपर गरम मसाला डालना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, और ये जो कढ़ी का टेस्ट है ना उसमें मतलब कढ़ी के टेस्ट को ही बदल देता है बेसिकली। तो बस यहाँ पे हो गया है, और मम्मी बोल रही थी कि रोटी मैं बना देती हूँ, तो मैंने सोचा कि अब रोटी भी मैं ही सेक दूँगी, कुछ ऐसा नहीं है। और इधर सौरभ ने नारियल पानी भी तैयार कर दिया, तो मैं नारियल पानी काफ़ी पीती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे नारियल पानी। तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो मतलब मैं वैसे भी खा लेती हूँ नारियल, और ऐसे भी मतलब पी लेती हूँ, तो मुझे ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पीना। और फाइनली ये है मेरी लंच की थाली, और हम लोग सलाद वगैरह बहुत अच्छे से खा रहे हैं आजकल, और रोटी राइस और कढ़ी, ये कढ़ी खा के रियली तृप्ति हो गई। हालांकि खट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी जो क्रेविंग थी उसको फुलफ़िल किया कढ़ी ने, और मतलब बहुत बुरी तरीके से क्रेविंग हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, और लंच के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज थकान हो गई, क्योंकि आज मॉर्निंग से मैं लगी हुई हूँ ना, वरना बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, आज बिल्कुल नहीं मिला। अभी शाम हो गई है और मैंने कपड़े आयरन कर लिए, क्योंकि
लेटी थी और लेटे लेटे मुझे ध्यान आया कि अभी तो ऐसा सब चल रहा है तो मैं कैसे कपड़े आयन के लिए दूंगी और ऐसे ऐसे करके ना फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो कर लेती हूँ। करने बैठी तो हमारी जो आयन है ना वो ख़राब हो गई है और ओल्ड वाली आयन हम लोगों ने निकाली, पूरा हाथ दर्द करने लग गया। मैंने तो ये वाली आयन से कभी की भी नहीं है और कभी भी नहीं की, इतनी भारी थी ना, लेकिन ये है कि मिल गई। अब एक आयन ऑर्डर करनी पड़ेगी, खर्चे कभी कम नहीं होते, न्यू आयन देखनी पड़ेगी तो उस पर रिसर्च करना है। वैसे तो फ्लिप्स बेस्ट है यहाँ पे और वो ही लेना पड़ेगा। तो बिना बात की थकान हो गई आज, मना कर रही थी मैं लेकिन फिर मैंने सोचा कि कर देती हूँ, बेचैनी बहुत ज़्यादा है मेरे दिमाग में ना। ये वाला आज वॉश किया था तो सिंथेटिक टाइप है ना इसका कपड़ा, तो बहुत जल्दी ड्राई हो गया, उसको भी मैंने आयरन कर दिया और अब रेडी है ये। एक तरफ का यार ये सब पल्स आ रही है अब यार 91। तो अभी हो गई है रात, हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। कल ना हमारे यहाँ पे शीतला अष्टमी होती है, उनकी प्रिपरेशन करनी है, उसमें ठंडा खाना खाना होता है। तो इधर ना मम्मी यहाँ पे ये पुए तल रही हैं और मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो जितना होगा मतलब थोड़ा बहुत करके रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि फेस्टिवल्स का थोड़ा कुछ हिम्मत करके करना पड़ता है, वरना वो आन टाइप्स हो जाता है ना, इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा ही ये करके रखेंगे कि कल का थोड़ा बस नेक कर लें उतना ही। और यहाँ पे है मम्मी, आप लोग बोल रहे थे ना कि मम्मी से आप लोगों को मिलना है, आपने मम्मी को देखा नहीं है, तो बताओ मम्मी कैसा फील कर रही हो? फील क्या, वैसे ठीक है, बुखार वगैरह लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ये बात सच है कि भैया आप लोग अपना ध्यान रखना, वायरस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, पुणे में तो बहुत ज्यादा है लॉकडाउन, 11,000 दिखाए टीवी में। अच्छा, बॉम्बे में तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों को मम्मी से मिलवा दूं और अपने ब्लॉग का एंड करती हूं, क्योंकि इसमें अब पूरे दिन से मैं आप लोगों के साथ हूं। आज आप लोगों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखाया कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी, क्योंकि फिर मैं बनाऊंगी पराठे और फिर मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसको लाइक के बिना जाना नहीं, और अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। तो चलिए, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। वैसे तो आजकल मैं कुछ अपडेट करने रही हूँ ज़्यादा कुछ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डालूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बेटर फील करूँगी तो मैं अपडेट करूँगी। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ, आपके अपने नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, बाय, टेक केयर, बाय।